हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम गायत्री आसेरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी स्लीव 3 इंच की स्लीव की कटिंग बताऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है। गर्मियों में अधिकतर छोटी स्लीव जो है यूज़ की जाती है, लगाया जाता है ब्लाउज़ में या कुर्ती में, और जो बिगनर जना उनको जो छोटी स्लीव होती है 3 इंच वाली स्लीव, वो कैसे कटिंग की जाती है उनके बारे में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि छोटी स्लीव कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, छोटी स्लीव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है, पीस लिया, ठीक है। ये डबल के मतलब फोल्ड करने के बाद मैं बता देती हूँ ये कितना है मेरा। यहाँ पे ये मेरा है 9 इंच का, ठीक है, और यहाँ से है मेरा ये 9 इंच का। लेकिन मुझे जो छोटी स्लीव बनानी है ना, तो छोटी स्लीव बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने किनारी पे ये निशान लगा दिया। यहाँ पे ये जो है किनारी होती है, इसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना किनारी को निकालते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कपड़े की चौड़ाई कितनी रखते हैं स्लीव के अंदर, तो बता देती हूँ, जितनी आपकी चेस्ट रहती है ना, उसको आपको 1/4 करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1/2 इंच या 1/4 इंच आप प्लस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया 8.5 इंच, ठीक है। तो 8.5 इंच ये मेरा इतना सही एक्स्ट्रा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कपड़ा। अब इसके बाद आपको 3 इंच की स्लीव बनानी है। तो 3 इंच की स्लीव कैसे बनाते हो, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको निशान लगाना है। 3 इंच की स्लीव आपको रेडी कर रखनी है। तो मैं इस जो ये निशान है ना, इस निशान को छोड़ने के बाद जो है निशान लगाऊंगी, तो मुझे रखनी है 3 इंच की स्लीव रेडी, ठीक है। 3 इंच की स्लीव आप रेडी रखोगे तो यहाँ पर आपका सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इस किनारे को निकाल देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना। तो देखिए, मैंने किनारे निकाल दिया। आपको 3 इंच की स्लीव रेडी करनी है। तो 3 इंच की स्लीव के लिए आपको ना 3.5 इंच कपड़ा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में भी जाता है ना, जो स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करते हो तब, तो उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा, या फिर आपको यहाँ पे करना क्या, 3.5 इंच का निशान लगाना है अगर आपको 3 इंच की स्लीव चाहिए तो। अब देखिए, 3 इंच की स्लीव जब बनाते हो, अब इसमें जब गुलाई की जाती है आर्म होल के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको करना क्या होगा, 3 इंच की ही गुलाई करते हो, लेकिन आपको 3 इंच की स्लीव भी रेडी चाहिए। तो वो कैसे होगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है, वो कहते हैं 3 इंच की गुलाई करेंगे तो स्लीव जाएगा यानी कि एंड में आ जाएगा, है ना। तो नहीं, एंड में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो देखिए, जब भी आप छोटी स्लीव की कटिंग करते हो ना, तो 3 इंच की स्लीव की, तो आपको ना आगे की तरफ कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, ठीक है। और वो क्यों लेना, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ किस लिए लेना है। तो मैंने ये 3 इंच का ये निशान लगा लिया, आपको 3 इंच की स्लीव रेडी करनी है। तो देखिए, 3 इंच आपको डाउन जो है गोलाई करनी होती है ना आर्म होल की, तो वो मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल स्लीव का निशान लगाते हो ना, वैसे निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी आएगी गोलाई आर्म होल की, ठीक है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं 3 इंच का निशान लगाती हूँ। उसके बाद इस निशान को आपको ऐसे तिरछा मिला लेना है। जो बिगनर्स है ना, उनके लिए बता रही हूँ कि इसकी गुलाई कैसे की जाती है। तो मैंने ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या होता है आपको, ये देखिए मेरा यहाँ से फोल्ड है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से फोल्ड और यहाँ से ये खुला है, ठीक है। वहीं से आपको 3 इंच का निशान लगाना होता है। तो अब यहाँ पर आपको आर्म होल की गुलाई जितनी भी राउंड के अंदर आती है ना, उसका हाफ का आपको निशान लगाना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7.5 इंच का निशान, ठीक है। तो ये मैंने 7.5 का निशान लगा लिया, यानी कि पूरी राउंड में जब आप आर्म होल को नापते हो, मेजरमेंट करते हो ना उसका, तो उसका हाफ का जो आता है ना, हाफ मतलब पूरे को हाफ करने के बाद जितना भी आता है ना, उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है, मेरे ये 7.5 इंच है। इसके बाद पूरे का आपको क्या करना, हाफ कर देना है। तो मैं ये इसका हाफ कर लेती हूँ, ये देखें यहाँ पर ये हाफ का निशान आ गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई करनी होती है, वो कैसे करोगे, पहले इसका हाफ का निशान मैंने लगा लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप हाफ का निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी आप हाफ का निशान लगा लीजिएगा। इस निशान से आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पे 2 या 2.5 इंच का निशान लगाया जाता है, यानी कि 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 2, यानी कि 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहीं से ना इसकी गोलाई दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ से पहले मैं यहाँ से पकड़ूंगी इसको हल्का सा, फिर यहाँ से राउंड देंगे, ये 1/2 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया, फिर ठीक है ऐसे करके, फिर यहाँ से आपको हल्की सी अंदर की तरफ गुलाई देनी होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो देखिए, मैंने ये वाला निशान लगा लिया, ठीक है। अब निशान लगा लिया, फिटिंग का निशान अपना यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये इतना सही बचा ना नीचे से, जहाँ से सिलाई आती है वो 1 इंच ही बचा आपका, ठीक है। तो कई जो होता है ना, 1 इंच का नीचे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे नीचे ना आपका जो अंडर आर्म है ना, वो दिखता है, तो कईयों को पसंद नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा कुछ भी नहीं है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको सीधा निशान लगा लीजिए। मोरी कितनी रख रहे हो आप, उसी के हिसाब से आपको मोरी का निशान लगाना होगा। जैसे मैंने रखा यहाँ पे 7.5 इंच का, ठीक है, 7.5 इंच मैंने मोरी रखी। इसके बाद इस निशान को मैंने यहाँ पे मिला दिया।
तो देखिए मैंने यहाँ पे ये मोरी ले ली और ये फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया, और यहाँ पे आपको मार्जिन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन कितना रखोगे आप, मतलब एक इंच भी रख सकते हो, सवा इंच भी रख सकते हो, डेढ़ इंच भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे रखा जैसे सवा इंच का, ठीक, मैंने सवा इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या होता है, यहाँ से जो आपकी जो लाइन है ना, आपको एक इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ और निशान लगाना होगा। यहाँ पे मैं एक इंच का निशान लगा लेती हूँ, ये देखिए मैंने एक इंच का निशान यहाँ पे ये लगा लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको करना है हल्की गोलाई देते हुए, यहाँ पे आपको ये जो निशान जा रहा है, ये जो आपका फिटिंग का निशान जा रहा है, यहीं से आपको, जैसे ये फिटिंग का निशान मेरा यहाँ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक इंच का जो निशान लगा है ना, वहीं से यहाँ से आपको करना क्या, हल्की हल्की गोलाई देनी है यहाँ पर, और यहाँ मतलब इसके साथ आपको मिला देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिला लेती हूँ इसको, तो ये देखिए मिल गया ना। अब यहाँ पे आपकी ये जो गोलाई आ गई और यहाँ पे आपका ये मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी जो 3 इंच की स्लीव होगी ना, वो इस प्रकार बनेगी, यानी कि ये थोड़ी सी घूमती हुई जाएगी स्लीव, सीधी नहीं जाएगी अगर 3 इंच की स्लीव बना रहे हो तो, ठीक। तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी जो है कटिंग कर दी। अब इसके बाद आप सोचोगे कि मैंने ये 3 इंच की स्लीव तो रेडी कर ली, लेकिन इसमें जो यहाँ से आगे की तरफ कपड़ा फोल्ड होता है ना, वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिया। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें ना अलग से पट्टी लगती है, राउंड के अंदर है ना ये वाली स्लीव, देखिए मोरी की तरफ ये राउंड में आ गया, तो इसमें स्ट्रेट पट्टी तो लगेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो उरेब जो पट्टी होती है ना स्टिप, वही लगने यहाँ पर लगेगी। तो इसमें आप दूसरे कपड़े में जो इसकी उरेबी पट्टी कटिंग करके इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या, कट लगा लीजिएगा, क्योंकि फिटिंग का निशान है, ठीक है, ये फिटिंग का निशान आ गया। अब यहाँ पे आपको आगे की भी कटिंग करनी होगी, तो आगे की कटिंग करने के लिए आपको आधा आधा इंच कपड़ा, मतलब पौना इंच या आधा इंच कपड़ा ले सकते हो, अंदर की जो काट की जाती है ना वहां से। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से गुलाई करनी होती है, यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप स्लीव को अटैच करते हो ना, तो यहाँ पे ना कोना बनेगा ना, तो यहाँ से आपका झोल मतलब उठा हुआ कपड़ा होगा आपका, तो ये गुलाई होनी चाहिए यहाँ पे, ये राउंड के अंदर होना चाहिए, पीछे वाला भी और आगे वाला भी, फ्रंट वाला भी, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो स्लीव की कटिंग करोगे, और इसमें आपको उरेबी पट्टी कैसे लगाओगे वो भी देख लीजिएगा। देखिए जैसे ये कपड़ा है आपका, ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्लीव को इसके ऊपर रखना है, ये मोरी है, ठीक है, मोरी है, मोरी वाला साइड आपको इसके ऊपर रखना है इस प्रकार, और यहाँ से आप देख लीजिए कितना आपको चौड़ाई में कपड़ा चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसको रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये जो है पट्टी को, स्ट्रिप को निकाल लिया राउंड के अंदर, उरेबी के अंदर। अब इसके साथ आपको अटैच करना है, आपको सेंटर को सेंटर से मिलाना होता है। देखिए सेंटर का मैंने इसका भी पॉइंट जो निशान लगा लिया, और इसका भी मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, क्योंकि सेंटर को सेंटर से जब मिलाते हो ना, तो वो अच्छी तरह से जो है आपका स्टिच होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। और ये मैं सेंटर का निशान यहाँ से भी लगा लेती हूँ स्लीव के। अब देखिए जो मैंने स्ट्रिप को कटिंग किया है, अब इसको आपको स्टिच कैसे करना होगा। तो देखिए सबसे पहले स्लीव को रखना है, लेना है स्लीव को, आपको करना क्या, सीधा रखना है, ठीक है, ये सीधा वाला साइड है, और स्ट्रिप का आपका उल्टा वाला साइड जो है लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये उल्टा साइड ले लिया है, तो इसके ऊपर आपको रखना है, यानी कि सीधी स्लीव के ऊपर आपको अटैच करना पड़ेगा। कट को कट के साथ आपको मिलाना है राउंड के अंदर पूरा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सेट कर लेना, अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, और यहाँ पे किनारे किनारे पे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ करने के बाद यहाँ पे आपको दाब सिलाई लगानी होगी, जैसे गले में आप लगाते हो, पट्टी वाला गला बनाते हो ना, तब उस प्रकार दाब सिलाई लगाते हो, वही दाब सिलाई आपको इस स्लीव में भी लगानी होगी। उसके बाद ये पूरा जो है स्टिप है पीछे की तरफ चला जाएगा, और पीछे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो पीछे की तरफ। तो इस प्रकार ये जो है स्लीव की कटिंग होती है और स्टिच होती है, इस प्रकार ही आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो बिगनर्स होती है ना, उनको 3 इंच की स्लीव की कटिंग नहीं पता होता। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने की तो पूरी कोशिश की है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो स्लीव की कटिंग समझ में आई कि नहीं आई, आप आगे जो है इस स्लीव को बना लोगे आसानी के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको आसानी के साथ सिलाई सीखनी है, तो सिलाई मंत्र चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिलाई सिखाना है, वो भी आसानी के साथ, क्योंकि सिलाई जो मंत्र चैनल है वो सिलाई के मंत्र ही आपको देगा। तो देखिए अगर आप लोगों को स्लीव की कटिंग समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नई नई वीडियो और भी आपको बताने वाली हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।